हाय गाइस, दिस इज अजय और आज की ताज़ा खबर है कि मोटोला ने अपना मोटो जी टू प्ले इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। एक प्रीमियम डिवाइस है, 27,990 का प्राइस है। 14 तारीख तक ये प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल है और 15 से ये फ्लिपकार्ट पे सेल के लिए चला जाएगा। फ़ोन में 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी है। 3000 mAh बैटरी, लेटेस्ट एंड्रॉयड OS, वनीला एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जो कि ये मोटोला का डिवाइस है। 4GB रैम, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 प्रोसेसर और बेस्ट पार्ट है इसका कैमरा, रियर कैमरा है 12 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f1.7। तो जितना बेस में डिनोमिनेटर में अपर्चर कम होता है उतना ही अपर्चर का साइज बढ़ा था कैमरा बेटर होता है गाइस। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर है f/2.0। और गाइस इंटरेस्टिंग बात है कि मोटोरोला को काउंटर करने के लिए ओप्पो F3 प्लस जो कि एक ऑफलाइन मिलता है स्मार्टफोन, प्रीमियम स्मार्टफोन है, 30,990 का था, उन्होंने दाम गिरा दिए, 27,990 का कर दिया। ये फ़ोन बड़ा है मोटोरोला से, 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, लेकिन इसमें लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बैटरी भी ज़्यादा है, 4000 mAh। चलिए डिस्प्ले बड़ा है तो बैटरी वहाँ कॉम्पनसेट हो जाती है। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 653 इसमें दिया गया है जो कि एक फास्ट प्रोसेसर है। और उसके बाद कैमरा की बात की जाए तो इसमें लगा है 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, अपर्चर वही मोटोरोला में जितना दिया गया है 1.7 है। और आगे के कैमरा की बात करें तो डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा है, अपर्चर f/2.0 है और 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आगे की तरफ दिया गया है। तो प्राइस ही नहीं, स्पेक्स में भी ये मोटोरोला को पूरी टक्कर देता है। मोटोरोला का ब्रांड मोटो जिसे आप कहेंगे फिलहाल लेनोवो के साथ है, तो एक बेटर पोजीशन पे है ओवरऑल ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड ट्रस्ट के मामले में गाइस। सो गाइस अगली खबर ये है कि रिलायंस जियो 4G के अपने फोन्स भी निकालने वाले हैं। फीचर फोन, स्मार्टफोन तो उसके लाइफ के साथ आ ही रहे हैं, नाम के फीचर फोन आने वाले हैं जिसमें बटन वाले फ़ोन होंगे, 2.5 इंच की स्क्रीन होगी, 4GB की स्टोरेज होगी, आप एक्सपेंडेबल उसमें SD कार्ड डाल सकते हैं, साथ ही साथ 512 MB की रैम रहेगी और इसके साथ आप इसमें जियो का सिम डाल सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन फोन्स की कीमत काफ़ी सस्ती होगी, 1,000 से 2,000 रुपये के बीच रहेगी और कई एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि 800 रुपये का भी ये फ़ोन निकाल सकते हैं। तो काफ़ी यूज़र्स के लिए एक अच्छी बात है जो फिलहाल जियो का सिम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इनके फीचर फोन्स भी आप जल्द ही यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस ये थी आज की न्यूज़ और फिलहाल आप अपकमिंग रिव्यूज और बाकी न्यूज़ के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस इज अजय गाइस, ओवर एंड आउट।